समझ में आ रहा आपके? कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मोबाइल के अंदर हमारा जो भी पासवर्ड होता है, A to Z जो भी हम पासवर्ड रखते हैं तो वो हमको पता होता है, वैसे ही जो कंप्यूटर में हम जो फाइल को सेव कर रखते हैं तो वो हम उसको एक, जिस या हम ये भी बोल सकते हैं उसका, हम उसको एक कोड दे देते हैं। जैसे हमने अभी AVJ EMS ये नाम से हमने क्या करा है, हमारा जो है हमने इसको सेव किया है, तो हमको उसको ओपन करना है। क्या करना है, ऑलरेडी हमारा सेव है, अब उसको ओपन करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेप को फॉलो करेंगे। नंबर वन, क्लिक द पेन बटन एंड देन क्लिक ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स अपियर्स। सिलेक्ट द लोकेशन वेयर योर फाइल इज फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द डायलॉग बॉक्स। सिलेक्ट द फाइल दैट यू वॉन्ट टू ओपन, क्लिक द ओपन बटन। देखेंगे आप स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, या हम न्यू फाइल क्रिएट करना है तब भी हम पेन के अंदर जाएंगे, आ रहा समझ में, पेन बटन भी जाएंगे, ओपन भी करना है इसी में जाएंगे, सेव भी करना है इसी में जाएंगे। अब हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था कि हमने न्यू फाइल पेन विंडो हमने क्रिएट किया था, देन उसके बाद हमने उसमें कुछ ड्रॉ किया, उसको हमने सेव किया, देन उसके बाद हमको वो फाइल ओपन करनी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन पे जाएंगे, ओपन के बाद हमने कौन से पेन लोकेशन के अंदर हमने इसको सिलेक्ट किया था तो आपको पता रहना चाहिए, हमने पिक्चर में किया था, पिक्चर में हमने कौन से नेम से किया था यहाँ पर। सो हम वहाँ पर उसको डाल भी सकते हैं, नेम AVJ, AVJ EMS। देखेंगे यहाँ पर हाईलाइट हो गया आपके सामने, आप क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है, ओपन कर देना है। आ गया सामने आपके, हमने ये पिक्चर इमेज ड्रॉ किया था, उसको हमने क्या किया, सेव किया, और जो नेम से हमने उसको सेव किया था वो नेम हमने वहाँ पर सर्च बॉक्स में डाला, देन उसके बाद वो हमारा फाइल क्या हो गया, ओपन हो गया। आ रहा स्टूडेंट समझ में आपको? अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या है, प्रिंटिंग अ ड्राइंग। व्हेन यू हैव फिनिश योर ड्राइंग यू कैन टेक इट्स प्रिंट आउट। टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर इमेज फॉलो दिस स्टेप। आपने क्या किया, अब आपने जो ड्राइंग को फिनिश कर दिया, आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई, अब आपको क्या है उसकी ना प्रिंट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक द पेन बटन एंड देन क्लिक प्रिंट। ए सब सब मेन्यू अपियर्स, क्लिक द प्रिंट ऑप्शन, द प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपियर्स यहाँ पर देखेंगे, एंड क्लिक द प्रिंट बटन्स देखेंगे। अब इसको आपको क्या करना है, इसकी प्रिंट देना है, तो यहाँ पर जानेंगे पिन पेन बटन में जाएंगे, यहाँ पर आता है प्रिंट का ऑप्शन, ओके प्रिंट ऑप्शन आता है, प्रिंट ऑप्शन में आपने जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पर आने के बाद ये आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ आने के बाद क्या होता है, पेज कितने, ऑल पेज है, नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज मतलब आपको कितनी प्रिंट देना है, 1, 2, 3, 4, 100, 200, 1000, अनकाउंटेबल, आप कितनी भी प्रिंट दे सकते हो। बट लेकिन जो प्रिंटर होता है ना, वो प्रिंटर के अंदर उतने पेजेस रहना चाहिए, अगर आपको 4 प्रिंट चाहिए तो 4 पेजेस आपको वहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा, प्रिंटर का जो बॉक्स आता है ना वहाँ पर, आपने देखा होगा हमारी स्कूल के अंदर भी है। देन आपको सपोज 2 प्रिंट देना है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो अप डाउन का बटन होता है, ये अप साइड है, ये सॉरी ये अप साइड एंड ये डाउन साइड, आप जैसे जैसे आप उसको देंगे 2, 3, 4, 5, ये मेरे को 4 देना है, ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। देन उसके बाद जो है, मैं यहाँ पर जैसे ही ये इसको ओके बोल या प्रिंट बोलूँगा, क्या बोलूँगा, प्रिंट बोलूँगा, यहाँ से देखेंगे आपके सामने ऑप्शन होते हैं, आप कौन से प्रिंटर का यूज़ कर सकते हो, कैनन जो भी उससे कनेक्टेड है आपके पीसी से, आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जैसी प्रिंट बोलूँगा तो क्या होगा, वो प्रिंटर क्या करेगा, आपके सामने जो ये जो पिक्चर है वो आपको एज इट इज कलरफुल चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, जैसी भी आपको चाहिए, वो एज इट इज आपको क्या करेगा, प्रिंट निकाल के मतलब उसका डुप्लीकेट कॉपी निकाल के आपको वो एक पेज पे दे देगा। आपको 4 प्रिंट चाहिए, 4 दे देगा, 2 चाहिए, 1 चाहिए, या आपको प्रिंट नहीं चाहिए तो वहाँ पर ऑप्शन में होता है कि आपको उसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। आ रहा स्टूडेंट समझ में? देन नेक्स्ट,
उसके बाद आता है एग्जिटिंग पेंट। टू एग्जिटिंग पेंट क्लिक द पेंट बटन एंड देन क्लिक एग्जिट ऑप्शन और क्लिक द क्लोज बटन ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार ऑफ द पेंट विंडो। If you have not saved your most recent changes, Paint will ask you to save them by display a message box. Click Save to save the changes or click Don't save to reject the new changes. Click the Cancel button to return to the Paint window. जैसा कि क्या बोला है, आपको अब ये डायरेक्ट बाहर जाना है। क्या करना है? डायरेक्ट बाहर जाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर एक ऑप्शन होता है पेंट बटन के अंदर एग्जिट, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन में आपको पूछता है, मतलब ये जो आपने इमेज ड्रॉ किया है इसको आपको सेव करना है। अगर सेव करना है तो यस बोलो, अगर नहीं करना है डोंट सेव, तो जैसे ही आप डोंट सेव बोलेंगे डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। आ रहा स्टूडेंट समझ में? सो स्टूडेंट आया हो आपको ये जो ये मैंने जो विद प्रैक्टिकल आपको लेके बताया है, ये आपको बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज जो दी गई है वो हम अब सॉल्व करेंगे। देखेंगे एक्सरसाइज में पेज नंबर 52 पे नंबर 1, फिल द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लॉज। हमको पिक्चर्स पता है, इसका यूज़ क्या है, इसका नेम क्या है। सबसे पहले क्या दिया है, नंबर 1 क्या है ये, ब्रश, ब्रशेस। तो ब्रशेस की स्पेलिंग है BRUSHES, ब्रशेस। सेकेंड कौन सी पिक्चर दे रहा है आपके, यहाँ पर देखेंगे वो है रेक्टेंगल शेप, RECTANGLE, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। सो आपको ऑल कैपिटल लेटर्स में राइट डाउन करना है, समझ में आ रहा? अगर कैपिटल लेटर में राइट डाउन नहीं किए, बीच में अगर आपने एक भी स्मॉल में किया तो आपका पूरा रॉन्ग हो जाए, मैं रॉन्ग कर दूंगा। तो यहाँ पर एकदम प्रॉपरली आपको राइट डाउन करना है, एकदम बी प्रॉपर। नंबर देखेंगे यहाँ पर थर्ड क्या है, ये कौन सी पिक्चर है, इरेजर। सो ERASER, इरेजर। देन उसके बाद आता है यहाँ पर फोर्थ पिक्चर कौन सी हमारी, पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। नंबर आता है उसके बाद ये कौन सी पिक्चर है, फिल विद कलर, FILWITHCOLOR, फिल विथ कलर। देन उसके बाद कौन सा आता है ऑप्शन, ये आता है हमारा लाइन, LINE, लाइन। सो स्टूडेंट्स ये या जैसा मैंने यहाँ पर बताया, आप वीडियो को पॉज करके ये राइट डाउन कर सकते हो। देन उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, टू है हमारा, मैच द टूल्स विद देयर आइकॉन्स। ये जो है ये सबको क्या बोला जाता है, आइकॉन्स। ये क्या है, सॉफ्टवेयर मीन्स मतलब जिसको हम सिर्फ देख सकते बट उसको हम ना फील कर सकते ना टच कर सकते। आर जैसे हमारा वॉइस, हमारा साउंड जो है ना, साउंड ये क्या है, ये हमारा जो ट्यून आवाज़ है ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। मतलब हम इसको सुन रहे हैं लेकिन हम उसको ना देख सकते ना हम इसको क्या बोलेंगे टच कर सकते, ओके। या आप जैसे हमारा हैंड, तो ये हैंड क्या है, ये हैंड जो है हमारा जिसको हम बोलेंगे हार्डवेयर, मतलब जिसको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया है ना, जैसे मोबाइल है आपका, कंप्यूटर है आपके घर में, बहुत सारी ऐसी थिंग्स है, वो सब क्या है, हार्डवेयर है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, AC है, फ्रिज है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब क्या है, हार्डवेयर। वो अभी सिर्फ आपको ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो है इसके बारे में आया, तो मैंने इसके लिए बताया। जो हमारा जब नेक्स्ट आप जब थर्ड स्टैंडर्ड में जाएंगे ना, तो उसके अंदर पूरा डीप के अंदर दिया गया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, देन इनपुट और आउटपुट, ये पूरा दिया गया है। वो हम नेक्स्ट जब क्लास में आएंगे तो हम उसके अंदर डिटेलिंग के अंदर वो लर्न करेंगे। देन यहाँ पर देखेंगे मैच द टूल विद देयर आइकॉन्स। यहाँ पर देखेंगे आइकॉन से इसको, तो जैसे कि ऊपर का जो ऑप्शंस दिया गया था ना सेम वैसे ही है। मींस यहाँ पर क्या, हमको सिर्फ मैच करना है, वहाँ पर हमको क्या करना था कि उस पिक्चर्स के नेम हमको वहाँ पर राइट डाउन करने थे। यहाँ पे आइकॉन्स विद नेम ऑलरेडी दिया है, हमको करेक्ट उसको मैच करना है। फर्स्ट क्या है, कर्व लाइन, ये कर्व टूल जो है वो उसका जो आइकॉन्स है, इमेज है, आपको पता रहना चाहिए वो ये, तो आपको वहाँ पर प्रॉपर ड्रॉ करना है। देन पॉलीगॉन जो है टूल, ये आ गया।
देन उसके बाद आता है टेक्स्ट टूल, ये वाला है। कलर पिकर टूल ये है, सॉरी ये है। मैग्नीफायर टूल ये वाला है। आर स्टूडेंट समझ में? देन उसके बाद आता है रीऑर्डर द लेटर्स एंड फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स फॉर्म। द डैडेस्ट टूल इज यूज टू ड्रॉ कर्व लाइन। तो इसको हमको वापस से क्या करना है, तो रीराइट करना है लेटर को। ओके, सो रीऑर्डर द लेटर्स, वापस से लेटर्स को राइट डाउन करना है। सो यहाँ पर देखेंगे द कौन सा टूल जो है कर्व लाइन्स के लिए हम यूज करते हैं, तो है कर्व टूल्स। यू कैन सिलेक्ट द कलर ऑफ अ पार्ट ऑफ एन इमेज यूजिंग द डैडेस्ट टूल्स। कलर की तो हम वो है कलर पीकर। नंबर सी है द डैडेस्ट टूल इज यूज टू ड्रॉ थीक लाइन्स एंड पेन विद फ्री हैंड। तो फ्री हैंड के लिए हम जो पेन यूज करते हैं वो किस में यूज किया जाता है, ब्रशेस के अंदर। ब्रशेस की हेल्प से हम फ्री हैंड कलर कर सकते है या लाइन्स ड्रॉ कर सकते है। देन नंबर डी है यू कैन क्लोज द ड्रॉइंग बाय क्लिकिंग द डैडेस्ट बटन ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार ऑफ द पेन विंडो। क्लोज, क्लोज से हम करते हैं। नंबर यू कैन यूज द डैडेस्ट टूल टू राइट योर नेम एंड एज। एज और नेम के लिए हम कौन से टूल का यूज किया जाता है, वो है यू कैन यूज द टेक्स्ट टूल टू राइट योर नेम एंड एज। राइट नेम और एज के लिए हम टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट, ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ए, इन पेन कलर्स कैन नॉट बी फिल इन द इमेजेस। इन पेन, पेन के अंदर जो है कलर्स का यूज जो है हम फिल विद कलर इमेजेस को फिल करने के लिए नहीं कर सकते। सो ये आएगा हमारा रॉन्ग। द पॉलीगॉन टूल इज यूज टू ड्रॉ क्लोज फिगर विद मैनी साइड्स। पॉलीगॉन की हेल्प से जो हम बहुत सारी फिगर्स लाइक एक्सोगन है, टेक्सोगन है, देन स्टार है, ये सारे शेप्स हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं, मैनी साइड्स उससे बना सकते हैं। तो वो आएगा हमारा ट्रू। नंबर सी है द कलर पिकर टूल इज यूज टू स्प्रे कलर ऑन द ऑन एन इमेज, तो आएगा फॉल्स। नंबर डी है द इरेजर टूल इज यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ अ पिक्चर। मतलब इरेजर की हेल्प से हम कोई भी पिक्चर्स का कोई भी पार्ट जो है हम उसको इरेज कर सकते हैं या कर सकते हैं। सो आएगा ट्रू। नंबर ई आएगा द कर्व टूल अलाउज यू टू मेक ओनली टू कर्व फॉर अ लाइन। मतलब कर्व लाइंस की हेल्प से हम जो है टू कर्व लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते या बना सकते हैं। सो आएगा ट्रू। देन उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव, राइट नेम ऑफ द टूल यू वुड यूज टू ड्रॉ द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ पर ए बी सी पिक्चर्स दी गई है। आपने जैसे सर्कल शेप, ये आपने ये इमेज बनाया और ये इमेज बनाया, तो उसके लिए आपने कौन कौन से टूल्स का यूज किया। तो यहाँ पर देखेंगे इस इमेज के लिए हमने सर्कल है, लाइन है, ओके, ट्राइंगल शेप है और फिल विथ कलर है, इतने सारे हमने यूज किया। सेकेंड शेप के लिए, इमेज के लिए हमने ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कर्व लाइन। आ रहा समझ में? सो ये इजी है। सो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आपको ये देखना है और उसको आपको टेक्स्ट बुक में राइट डाउन कर लेना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारा लेसन नंबर 6 एंड जो इस सब्जेक्ट का जो लास्ट लेसन था वो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ से जो है हमारा जो नेक्स्ट लेसन जो आने वाला है, मतलब जो हमारा रिविजन बेस के ऊपर रहेगा, जिसमें जो हमारे जो टोटल जो आफ्टर सेकेंड टर्म के बाद जितने हमारे लेसन्स हुए कंप्लीटेड, उसके ऊपर मैं आपको जो है रिवीजन वीडियो भी सेंड करूँगा और आपको जो है उसके बेस पे जो है पीडीएफ वगैरह भी सेंड करने वाला हूँ मैं। सो स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो है मुझको व्हाट्सअप भी कर सकते हो या आप मुझको कॉल भी कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारा लेसन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो है बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो यहाँ पर मैं ये लेसन जो है एंड करता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।